यमन दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। साल 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा करने के लिए सशस्त्र अभियान छेड़ दिया, जिसके बाद से ही यमन गृह युद्ध की चपेट में है। 2014 से यमन के बड़े हिस्से पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों का कब्जा है। इनमें राजधानी सना, देश के उत्तरी हिस्से और लाल सागर के तट से सटी सीमा शामिल है। यह रास्ता इसलिए भी अहम है क्योंकि यह यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला रास्ता है। लेकिन अब अमेरिका दुनिया के कई देशों की मदद से हूती विद्रोहियों पर लगातार हमले कर रहा है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने भारत से भी मदद मांगी। अमेरिकी सेना ने शनिवार की सुबह यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में हमला किया। बता दें कि यह अमेरिका का लगातार दूसरा हमला था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने कहा कि दूसरे हमले के बाद अमेरिका ने एक प्राइवेट मैसेज ईरान को भेजा था। उन्होंने ज़्यादा जानकारी दिए बिना कहा कि हमने निजी तौर पर मैसेज दिया और हमें विश्वास है कि हम अच्छी तरह से तैयार हैं। अमेरिका ने कहा कि उनका यह हमला रडार को निशाना बनाकर किया गया। ईरान लाल सागर में हूती विद्रोहियों की ओर से हमले में शामिल होने से लगातार इनकार करता रहा है। हालांकि इस बात का संदेह जताया जाता रहा है कि हूती विद्रोहियों को ईरान की ओर से हथियारों की सप्लाई की जाती है। अमेरिका का कहना है कि लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने के लिए ईरानी खुफिया जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन से ब्रिटेन और अमेरिका ने संयुक्त हमले किए। शुक्रवार के शुरुआती घंटों में लगभग 30 हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने टॉम हॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों के जरिए यमन में हूती रडार साइट पर फिर से अपना हमला किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन के पास लाल सागर में जहाजों पर हमले के जवाब में यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हालांकि हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक से उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हूती विद्रोही लाल सागर के मुख्य मार्ग को कंट्रोल करते हैं। ये अभी भी संभव है कि इन हवाई हमलों का हूती विद्रोहियों पर भयानक प्रभाव पड़ा हो। वे निश्चित तौर से कुछ समय के लिए जहाजों पर हमला करना कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी संभव है कि ये हवाई हमले जितने लंबे समय तक जारी रहेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन के यमन में एक और संघर्ष में फंसने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। अमेरिका का कहना है कि वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% लाल सागर से गुजरता है। इसमें से वैश्विक अनाज का 8% और समुद्री तेल का 12% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस का 8% हिस्सा शामिल है। लिहाजा लाल सागर को हूती विद्रोहियों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ से अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों के हित जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही संघर्ष का एक नया मोर्चा भी लाल सागर में खुल चुका है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।